वेलकम बैक टू माय चैनल यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरी अम्मी कुकिंग होम में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्जी, जिसको हम बेसन भी बोलते हैं। तो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है और बहुत ही डिलीशियस और रेसिपी बन के तैयार होती है। तो मैंने बेसन ले लिया है 2 कटोरी, मैंने हाथ से ही लिया है, आप लोग कटोरी से माप करके ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें सरसों ऑयल यूज़ किया है। आप कुकिंग ऑयल में जो भी यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं। ज़्यादा करके आप अगर सरसों ऑयल है तो आप वही यूज़ कीजिए, और अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे मिक्स करना है, हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है कि गीला हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से अब हाथों की मदद से आपको इस तरीके से बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे बेसन से बना लूंगी। तो ये देखिए बनके तैयार है। और मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में प्याज कट किया है, टमाटर कट किया है और हरी मिर्च। कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने दे दिया था, उसमें मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। अब हम उसमें गट्टे की जो सब्जी बना रहे हैं वो डाल देंगे और इसे उबाल आने देंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से उबल चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देखिए इसमें उजलापन इस तरीके से हो जाए तब इसे निकाल लीजिएगा। अब हम इसे कट कर लेंगे, तो इस तरीके से आप कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने सारे को कट कर लिया है। अब हम चलते हैं फिर से कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए मैंने दे दिया है, उसमें मैंने सरसों ऑयल यूज किया है। और अब हम इसमें गट्टे जो मैंने कट के रखा था वो इसे भून लेंगे। पहले हमें इसे भून कर निकाल लेना है, हमें इसे अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि सब्जी में कच्चापन ना रहे। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, इसे चलाते रहना है आपको। हमें इसे चलाते रहना है, प्लीज गाइस हमें सपोर्ट कीजिए। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। हमें थोड़ा सा ही नमक डालना है क्योंकि हम मसाले में भी नमक डालेंगे। और फिर से मैंने उसे निकाल लिया है, और फिर से मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए दे दिया है, उसमें मैंने जीरा ऐड किया है। जीरा को हम जलने देंगे, ब्राउन होने देंगे, उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब हम उसमें प्याज को भी ऐड कर देंगे, और प्याज को हमें अच्छी तरीके से भून लेना है। अब हम इसे चला लेंगे, प्याज को हमें ब्राउन होने तक भून लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है, इस तरीके से धीरे धीरे ब्राउन होने लगा है। मसाले धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और इसे चला लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसे फिर से चला लेंगे। आप चाहें तो घोल बनाकर भी मसालों का आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ मिर्च पाउडर ऐड किया है, मेरे यहाँ तीखा ज़्यादा पसंद है, आप तीखा कम खाते हैं तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर भी मैंने कट किया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम सारे मसाले को और प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, और फिर से अच्छी तरीके से चला लिया है,
और चूल्हे पे बहुत ही लजीज सब्जी बनके तैयार होती है, और वो भी गट्टे की सब्जी। बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप लोग भी जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर भून चुका था, अब हम इसमें गट्टे को डालकर इसे अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए इसको डालकर भी, गट्टे को डालकर भी हमें अच्छी तरीके से इसे चलाना है और अच्छी तरीके से इसको पका लेना है, ताकि जो सारे मसाले हैं वो गट्टे में मिल सके अच्छी तरीके से। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जीरा गोल के पाउडर ऐड किया है और इसे फिर से चला लेंगे। अच्छी तरीके से चलाते रहना हमें। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, आप गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब हम छोड़ देते हैं, इसमें उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए इसमें उबाल भी आ चुका है हमारी गट्टे की सब्जी में। अब हम इसे फिर से चला लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे चला लेंगे। आप गरम मसाला डाल के तुरंत उसे मत उतार लेना, एक उबाल उसे आने देना ताकि जो मसाले की वो निकल सके। तो मेरी सब्जी है बनके तैयार है, आप लोग को मेरी रेसिपी